सारस क्रेन को भारत में सारस या क्रॉन्च के नाम से जाना जाता है। सारस पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है, यानी कि उड़ने वाले पक्षियों की गिनती में यह पक्षी सबसे बड़ा है। सारस पक्षी ज़्यादातर अपने जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सारस क्रेन के बारे में कुछ रोचक और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। पूरे विश्व में सारस पक्षी की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 5 प्रजातियां भारत में मौजूद थी, लेकिन 5वीं प्रजाति साइबेरियन क्रेन सन 2002 में ही विलुप्त हो गई थी। आज पूरे विश्व में सारस की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आज ये नेपाल और भारत में ही पाए जाते हैं। सारस पक्षी भी दूसरे पक्षियों की तरह विलुप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस पक्षी की संख्या करीब 10 से 12 हजार ही है। भारत में रहने वाले सारस पक्षी ज़्यादातर प्रवास नहीं खेड़ते हैं और अपने निवास स्थान के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। सारस पक्षी का मुख्य निवास स्थान दलदल वाली जमीन, बाढ़ वाले स्थान, तालाब, झील और खेत है। यह पक्षी अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाता है। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त जोड़ा बनाते हैं और यह जोड़ा पूरी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। यदि किसी हालतवश उनके एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा सारस भी खाना पीना बंद कर देता है और मौत को गले लगाता है। ज़्यादातर सारस पक्षी शाकाहारी ही होते हैं, जो कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी छोटे जीवों को भी खाते हैं। खड़े होने पर इस पक्षी की लंबाई 6 फीट तक हो जाती है। आमतौर पर बारिश के मौसम में सारस प्रजनन करता है और प्रजनन की शुरुआत नृत्य से करते हैं। नर सारस प्रजनन काल के दौरान आसमान की ओर देखकर एक लंबी और मधुर आवाज़ निकालता है। इसके जवाब में मादा सारस 2 बार ऐसे ही आवाज़ निकालती है। सारस के इन आवाज़ को बहुत दूर तक सुना जा सकता है। प्रजनन के बाद मादा सारस 1 बार में 2 से 4 अंडे देती है और करीब 1 महीने के बाद बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। बाहर आने के 2 महीनों में ही ये छोटे सारस उड़ान भरने योग्य हो जाते हैं और अपना खाना पीना खुद ही तलाश करते हैं। अगर सारस पक्षी का शिकार ना किया जाए तो यह 18 साल तक जीवित रहता है। हमारे लिए आज बड़े दुख की बात है कि एक समय में पूरे विश्व में और पूरे भारत में पाए जाने वाले सारस पक्षी आज सिर्फ नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं। सारस की प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है और इसी तरह हम जंगल का विनाश करते रहेंगे तो कुछ ही सालों में दूसरे पक्षियों की तरह सारस पक्षी भी सिर्फ कहानी बनकर ही रह जाएगा। सारस पक्षी 523 किलोमीटर तक की लंबी उड़ान भर सकते हैं। सारस पक्षी आसमान में 35 से 40 हजार फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।